नमस्कार दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और भगवान सदा आपको अच्छा रखे। मेरा आज का टॉपिक है कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं, वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं या नारियल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा तो उसको तोड़ने के बाद हम भगवान के आगे रख देते हैं और बाकी नारियल हम घर ले आते हैं, या कई बार घर में भी हम प्रसाद चढ़ाकर नारियल तोड़कर एक पीस उसके भगवान के आगे रख देते हैं और बाकी का नारियल हम खुद अपने परिवार में प्रसाद के रूप में खा जाते हैं और हम बड़े खुश होते हैं कि आज हमने भगवान को प्रसाद चढ़ाया। तो क्या आपको उम्मीद है जो आपने भगवान को नारियल रोज चढ़ाते हो या कभी कभी चढ़ाते हो, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब हम बाजार जाते हैं, नारियल बहुत अच्छा देखभाल कर लाते हैं, उसमें पानी है, वो अंदर से खराब तो नहीं निकलेगा, वो अच्छा है, अच्छे से अच्छा नारियल हम लेकर आते हैं, पर फिर भी जब हम उसको मंदिर में या घर में तोड़ते हैं तो वो अंदर से खराब निकल जाता है। हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि हम तो अच्छा नारियल देखकर लाए थे, ये क्या हो गया, ये तो खराब निकल गया। जब नारियल अच्छा निकला तो आपको भरोसा है वो भगवान ने आपका स्वीकार करा, क्योंकि खा तो हम खुद ही गए। लेकिन जब नारियल खराब निकलता है तो आप यकीन मानिए, ये स्कंद पुराण में और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर नारियल खराब निकल गया तो वो भगवान पूरा का पूरा स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमें उससे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी होना चाहिए कि हम भगवान के लिए नारियल लाए थे और मेरा नारियल तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि खराब नारियल निकलने का क्या मतलब होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय जय श्री राधे।